पता नहीं आप कहाँ कहाँ से इम्यूलेटर ढूंढ के लेके आते हो, कभी ईवी फोर एक्स लेके आ जाते हो तो कभी कुछ और लेके आ जाते हो, आज उसी प्रकार से गियर फाइव वाले इम्यूलेटर लेकर आ गए। लेकिन क्या आपको पता है गियर फाइव और ईवी फोर एक्स जो इम्यूलेटर है वो क्या असलियत में भी इम्यूलेटर है? चलिए मैं आपके 99.99% डाउट को क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ईवी फोर एक्स इम्यूलेटर के बारे में। ईवी फोर एक्स मशहूर है क्लासी फ्री फायर के नाम से, क्लासी फ्री फायर वो इम्यूलेटर को यूज करता है, वो इम्यूलेटर बहुत ही बढ़िया इम्यूलेटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं ईवी फोर एक्स कोई इम्यूलेटर है ही नहीं, वो एक स्किनी वर्जन है ब्लू स्टेक्स का। फॉर एग्जांपल के लिए हम हमारे जो ग्लिच फाइल बनाते हैं हमारे फ्री फायर में कपड़े चेंज करने के लिए, जो ग्लिच फाइल बनाते हैं कपड़ा कौन सा होता है और दिखता कौन सा कपड़ा है, सेम ग्लूअल के लिए हम कॉन्फ्यूग फाइल बनाते हैं, हमारी ग्लूअल व्हाइट रहती है लेकिन हमको दिखती है एक नंबर ललन टाप, उसी प्रकार ये एक ब्लू स्टेक्स का स्किनी वर्जन है। वो ब्लू स्टेक्स ही लेकिन उसकी थोड़ी सी फाइल में छेड़छानी करके उसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का लुक दे दिया है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे भाई उसमें ऑप्टिमाइजेशन तो होता है हमारा, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे उसको। हाँ आपकी बात सही है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके ब्लू स्टेक्स के रियल वाले में आपके 40 FPS आ रहे थे और इसमें डायरेक्ट आपके 100 FPS आ रहे हो। वो क्या होता है जब आप नए नए इम्यूलेटर डाउनलोड करते हो तो उसकी कोई भी फाइल नहीं बनी रहती, ना ही किसी गेम की कुछ भी अंदरूनी फाइल बनी रहती है। इस कारण आपको क्या रहता है स्टार्टिंग में उसमें सही FPS देखने को मिल जाता है और कुछ दिन खेलने के बाद उसमें आपको भी लगने लग जाता है यार कि ये इम्यूलेटर भी बेकार है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे को ना अर्जेंट में मेरा लैपटॉप को रीसेट मारना पड़ा और मैंने जैसे ही रीसेट मारा मेरे को ब्लू स्टेक्स का 5 लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड किया और मैंने उसमें देखा ना तो भाई साहब मेरे 80 FPS चलते हैं, वो भी कंसिस्टेंट। अगर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड की बात करूँ तो ट्रेनिंग ग्राउंड में मेरे को 75-80 FPS कंसिस्टेंट मिलते हैं विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही मेरे 40 FPS 48 FPS पर आ जाता है। इसके बाद जो हमारे लोन वुल्फ रहता है उसमें मेरे को 85-95 के आसपास आसानी से मिल जाते हैं और ये मैं 2v2 वाले लोन वुल्फ की बात कर रहा हूँ। हाँ कंसिस्टेंट नहीं रहते लेकिन आसानी से मिल भी जाते हैं। इसके बाद में मेरी क्लैश स्क्वाड की बात करूँ तो मेरे क्लैश स्क्वाड में 65-70 FPS कंसिस्टेंट ही चलते रहते हैं और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है मेरा लो एंडलेस कितना लो एंडलेस डिवाइस है। हम बात करें ईवी फोर एक्स की तो ईवी फोर एक्स जो इम्यूलेटर था उसमें मेरे को 10 FPS ज्यादा देखने को मिलते थे नॉर्मल ब्लू स्टेक्स 5 से, लेकिन कुछ दिन मैंने उसको यूज किया मेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल हो गई, जितने भी मेरा कस्टम कलेक्शन पैक था सब डाउनलोड हो गई तो उसमें भी सेम टू सेम ब्लू स्टेक्स 5 जैसे ही FPS देखने को मिल गए मुझे। और जो लेटेस्ट वर्जन रहता है और वो बेहतर वर्जन रहता है और जैसा मैंने कहा कि वो एक कॉन्फिग फाइल जैसा स्किनी वर्जन है ब्लू स्टेक्स का तो उसमें आपके आईडी को भी खतरा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा फ्री फायर आईडी आपकी बैन होगी, गूगल जीमेल अकाउंट जो आप उसमें लॉग इन करते हो उसको भी आपको खतरा हो सकता है। पता नहीं कॉन्फिग वर्जन ने उसमें क्या क्या डाला है जिससे आपका आईडी पासवर्ड उसके साथ भी शेयर हो जाए, आप जैसे ही उसमें लॉग इन करोगे तो आपका आईडी पासवर्ड उसके पास चला जाए। मैं ये चीज कंफर्म नहीं कह रहा हूं लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, अगर हो ऐसा हम उसके कॉन्फिग फाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते तो ऐसा भी तो हो सकता है और बाकी मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। सेम ऐसे ही मैं गियर 5 की बात करूँ तो गियर 5 भी स्किनी वर्जन है, गियर 5 को भी कॉन्फिग फाइल लगाकर ही बनाया गया है। मैंने आप लोगों के डिमांड पर एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करी थी तो मैंने जैसे ही उसको इंस्टॉल किया ना, मतलब इंस्टॉल हुआ ही नहीं मेरा पहली बात यह तब, लेकिन मैंने जैसे उसकी फाइल को एक्सट्रैक्ट किया मेरे एंटीवायरस ने तुरंत ही बता दिया कि इसमें एक वायरस प्रेजेंट है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी लो एंडलेस पीसी यूज करते हैं वो एंटीवायरस भी कहां से डलाएंगे, जैसे कि मैं भी एंटीवायरस नहीं डला और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर आता है वो इतनी अच्छे से कुछ साफ सफाई नहीं कर सकता है। मैंने खुद ने फ्री वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है और उसने डिटेक्ट कर लिया कि इसमें एक वायरस प्रेजेंट है। आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मत जाइए कि आपको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप उसको ट्राई करोगे और उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिला तो क्या करोगे? ऐसा भी होता है, हम जब ऑप्टिमाइजेशन करने की सोचते हैं तो हम बहुत ज्यादा इम्यूलेटर अलग अलग ट्राई करते हैं, इसी की वजह से ना उनकी एक जंक फाइल बन जाती है जो कि टेम्पररी फाइल में सेव हो जाती है और वो डिलीट भी नहीं होती है। इसलिए मैंने हाल ही में रिसेंट में एक वीडियो डाला हुआ है जिसका अल्टीमेट लैग फिक्स, तो आप एक बार उसको ट्राई जरूर कर लेना। अगर आपका लैग होता है तो आप उसको एक बार ट्राई करना, मैं गारंटी देता हूँ कि 10-15 FPS तो उसके बाद आपको आसानी से ज्यादा ही मिलेंगे। और वैसे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग ईवी फोर एक्स इम्यूलेटर या फिर गियर 5 के बारे में बताते होंगे और मैंने खुद ने भी बता रखा है ईवी फोर एक्स को यूज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेफ नहीं है लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो अनसेफ भी नहीं है। जितना हो सके उतना ही लेटेस्ट वर्जन का आप इम्यूलेटर यूज करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।